नारायण जी, बात करेंगे वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को राहु देव, जो कि अपनी 18 साल बाद मिथुन उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं, 7 मार्च से लेकर 2019 से और सितंबर 2020 तक अपनी उच्च की मिथुन राशि में वृश्चिक राशि वालों को 8वें घर में रहेंगे। 8वें घर में रहने का ये मतलब हेल्थ इश्यूज, गुप्त रोग, इन्फेक्शन और ऑपरेशन के चांसेस, विदेश यात्रा किसी न किसी मतलब से, किसी न किसी काम से होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, मानसिक थोड़ी परेशानियाँ जरूर मिलेगी आपको, लेकिन अगर आप कुछ उपाय करते रहेंगे धर्म कर्म, तो ज़रूर इस 8वें घर के राहु देव के बुरे लक्षणों से आप बच जाएंगे। राहु देव 8वें घर में जब आते हैं तो सेकंड में केतु भी आ जाते हैं, तो सेकंड में केतु भी उच्च के हैं। हाँ, धन बढ़ेगा, लेकिन खर्च कहाँ होगा? विदेश यात्रा या रोग पे या कोर्ट कचहरी पे, लिटिगेशन पे। तो आपके पैसे को अगर आप बचाना चाहते हो तो इस वर्ष आप फॉरेन कंट्री के ट्रैवल बढ़ा दो, यकीन मानिएगा बचत हो जाएगी। बात करूंगा जो वृश्चिक राशि वाले स्टूडेंट हैं, वो अगर इस वर्ष में थोड़ी मेहनत अच्छे से कर लें तो वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति इस वर्ष कुछ बड़ा पटाखा कर सकते हैं, बड़ा धमाका कर सकते हैं। सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस वर्ष आपको। सेकंड हाउस कंपटीशन में सक्सेस दिलाता है, सेकंड का केतु। आप अगर वृश्चिक राशि वाले हैं तो धनु राशि में केतु महाराज उच्च के आपके धन स्थान पर सेकेंड हाउस में होंगे, और राहु देव कहाँ हुए? 8वें में। खैर, उपाय आपने क्या करना है, शनिवार के दिन दोपहर 12 बजे से पहले नीले वस्त्र दान कर दो। 12:30, 11, 12 बजे नीले रंग के कपड़े लेकर के शनि मंदिर में या किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दो, वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति।